सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का वीडियो होगा थोड़ा इंटरेस्टिंग बिकॉज वी आर गोइंग टू रिव्यू आवर रिसेंटली परचेज्ड टाटा नेक्सॉन XE वर्जन। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं कुछ सिनेमैटिक्स के साथ और गाड़ी के ऊपर भी कुछ डिस्कशन करेंगे। डेफिनेटली इस सेगमेंट की बहुत ही बेहतरीन गाड़ी टाटा ने मार्केट में उतारी है और हर छोटी बड़ी चीज़ों का ध्यान रखा गया है, जैसे कि ये प्रोजेक्टर हेडलैम्प सेटअप, नीचे आपके DRLs भी हैं, इंडिकेटर भी इसमें आते हैं, हर चीज़ का इसमें खास ध्यान रखा हुआ है। फिट एंड फिनिश इज वेरी गुड। ये सामने पियानो ब्लैक फिनिश भी दी हुई है और हर चीज़ जो बेसिकली चाहिए एक गाड़ी में वो इस गाड़ी में आपको मिलेगी। टायर साइज इज ऑल्सो गुड, रिम इंच इसमें आ रहा है 16 इंच। क्लियर लेंस का काफ़ी यूज़ किया गया है और डिज़ाइन को भी काफ़ी अच्छे से ध्यान में रख के इस गाड़ी को बनाया गया है। ऑल टुगेदर काफ़ी प्रीमियम लुक देती है गाड़ी। गाड़ी का रोड प्रेजेंस भी काफ़ी इंटिमिडेटिंग है और आप आसानी से ये फील कर सकते हैं कि आप कोई बड़ी कार चला रहे हैं। प्रॉपर एर्गोनॉमिक्स, अल्टीमेट स्पेस, गुड राइडिंग प्लेजर, प्रॉपर सीटिंग कंफर्ट, बड़ा सा बूट स्पेस और सबसे ऊपर टाटा की रोबस्ट बिल्ड क्वालिटी जिसके कारण इसे 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है, ये सब इस गाड़ी पे सोने पे सुहागा करती है। एक जेन्युइन रिव्यू होने के कारण ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो आप कृपया अंत तक बने रहिए और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो अब हम आ गए गाड़ी के अंदर और एक बार अब इसको चला के देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। अपने ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से मैंने सीट को एडजस्ट कर लिया है। इस सीट में इंक्लाइन का ऑप्शन होता है, बाकी इसमें हाइट एडजस्टमेंट नहीं है। स्टेयरिंग की अगर मैं बात करूं तो स्टेयरिंग में हमारे पास अप एंड डाउन मोशन हो सकता है, लेकिन अपनी तरफ मैं इसको एडजस्ट नहीं कर सकता, खींचने का ऑप्शन इसमें नहीं है। तो इसमें अप एंड डाउन मोशन है, उसको मैंने सेट कर दिया है लॉक। अब सीट बेल्ट लगा लें। ड्राइव मोड अभी जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है वो अभी हमने सिटी सेलेक्ट किया है बिकॉज काफ़ी नॉर्मल सड़क है और इसमें हम नॉर्मल तरीके से इसको ड्राइव करेंगे। गाड़ी टोटल 500 किलोमीटर चल चुकी है, सो स्टिल वी हैव टू मेंटेन द स्पीड लिमिट्स, नहीं तो इसमें प्रॉब्लम आती है। फर्स्ट सर्विसिंग अभी जस्ट रिसेंटली हुई है, लेकिन फिर भी हम इसको एक लिमिटेड स्पीड में ही चलाएंगे। सो लेट्स गो। तो ये है पेट्रोल नेक्सॉन एंड फर्स्ट इम्प्रेशन जो है इस गाड़ी का बहुत ही बढ़िया है, वेरी स्मूथ, बहुत अच्छा पिकअप। और इवन सिटी मोड में, बिकॉज इसमें तीन मोड आते हैं, इको, सिटी एंड स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स मोड में इसके 100% पावर आ जाती है। सिटी में थोड़ा सा ये स्ट्रिप डाउन होता है पावर, और इको और आपका लिमिटेड पावर देता है बिकॉज इसमें आपको माइलेज की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। सो अभी सिटी मोड में पिकअप इज़ वेरी गुड। अभी हम अप्रोक्सीमेटली 40-50 की स्पीड में चल रहे हैं इन द थर्ड गियर, और अगर मैं इसको धीरे भी कर रहा हूँ और उसके बाद फिर मैं वापस रेस देने की कोशिश कर रहा हूँ, सो देर इज नो लैग एज सच। तो काफ़ी स्मूथ है, पेट्रोल इंजन है और काफ़ी साइलेंट इंजन है मैं ऐसा कहूँगा। और इसमें जो ड्राइविंग पोजीशन है ये भी काफ़ी कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आप काफ़ी ऊपर बैठे, काफ़ी ऊंचा बैठे और आपको पूरी क्लियर विजिबिलिटी आती है, जैसे आप किसी कोई बड़ी गाड़ी में बैठे हुए हैं। सो मैं अपनी हाइट के हिसाब से मैंने जो सीट एडजस्ट करी है उसके बाद भी मेरे को पूरा सामने का व्यू अच्छा दिख रहा है, एंड इवन इसमें मुझे आगे बोनट भी नज़र आ रहा है।
सो बोनेट जो विजिबल रहता है, बोनेट के एजेस भी मेरे को दिख रहे हैं, तो उसमें और ज्यादा मेरे को कॉन्फिडेंस आएगा, किसी को भी कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ वो आप जो चला रहे हैं कहाँ जा रही है गाड़ी, आपको आराम से दिखता रहेगा। सो विजिबिलिटी पॉइंट से गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है। थोड़े बहुत ब्लाइंड स्पॉट्स हैं डेफिनेटली बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग ए पिलर, काफी थिक ए पिलर इसमें है, सो यहाँ से थोड़ा रहता है, लेकिन एज सच कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं आ रही। मिरर्स सारे कुछ सही एडजस्ट हैं एंड स्मूथनेस बहुत ज़्यादा है गाड़ी में। क्योंकि ये पेट्रोल इंजन है, सो व्हाट आई फील इज इसका सस्पेंशन सेटअप मुझे थोड़ा सा सॉफ्टर साइड की तरफ ज़्यादा लगा। बम्प्स को ये बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर रही है, लेकिन क्योंकि सस्पेंशन थोड़ा सॉफ्ट है तो अंडुलेशन थोड़ा सा मेरे को लग रहा है, थोड़ी बाउंसी राइड सी भी होती है कई बार। ड्राइव मोड्स की अगर हम बात करें, सो इको, सिटी और स्पोर्ट्स मोड है। इको मोड में नॉर्मली क्या होता है कि इसमें जो प्रोग्रामिंग चिप होगी वो इंजन की पावर को अप्रोक्सीमेटली 80 bhp के आसपास कर देती है। सिटी मोड पे अगर हम जाएंगे तो उसको थोड़ा इंक्रीज करके वो 90 to 100 bhp की रेंज में लाती है। एंड देन देयर इज अ स्पोर्ट्स मोड। स्पोर्ट्स मोड में गाड़ी का फुल पोटेंशियल आ जाता है जो कि है 120 bhp। सो 120 bhp पे आपको जो जबरदस्त पिकअप मिलता है और जो स्मूथनेस के साथ गाड़ी आगे बढ़ती है उसमें आपको चलाने में और ज्यादा मजा आ जाता है। स्टेयरिंग जो है आपकी बहुत स्टर्डी लग रही है, पूरा मेरे को मतलब रोड की फीलिंग आ रही है, और थोड़ी हैवियर साइड तो नहीं बोलूंगा लेकिन हाँ वेल प्लांटेड स्टेयरिंग है, और मतलब ऐसा बिल्कुल भी लाइट लाइट स्टेयरिंग जैसा नहीं लग रहा है, पूरा मेरे को रिस्पॉन्स सही आ रहा है स्टेयरिंग का। सो इसमें आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ता है ऐसा चलाने में। माइलेज की भी अगर हम बात करें, सो करेंटली इसमें जो माइलेज का जो यहाँ दिखा रहा है, सो इसमें हम अप्रोक्सीमेटली अभी मिक्स कंडीशन में अराउंड 14-15 टाइप का माइलेज इसमें हम निकाल पा रहे हैं। डेफिनेटली आगे और सर्विसिंग होगी, गाड़ी और चलेगी, हाईवेज पे अगर हम इसको चलाएंगे तो इसका माइलेज कैन गो अप टू 18-20 किलोमीटर पर लीटर ऑल्सो वेरी इजीली। सो गाड़ी में कोई कहीं भी दिक्कत नहीं लग रही है, और एयरबैग्स इसमें दिए हुए हैं, फ्रंट 2 एयरबैग्स हैं, पैसेंजर साइड ड्राइवर साइड दोनों 2 एयरबैग्स इसमें दिए हैं स्टैंडर्ड। दिस इज अ XE वेरिएंट, ये बेस मॉडल होता है, लेकिन बेस मॉडल होने के बावजूद इसमें मल्टीपल फीचर्स हैं, क्योंकि इसके ऊपर के जो भी ट्रिम्स आते हैं, जो XM आएगा, XMS आएगा, XZ, XZA प्लस, ये जितने भी वेरियंट्स आते हैं, सो मोस्टली दे आर मोर और लेस कॉस्मेटिक चेंजेस। बेसिक फीचर्स जो गाड़ी के रहते हैं, जो आपके सेफ्टी फीचर्स रहते हैं, सारे वेरिएंट्स जो हैं आपके 5-star रेटेड हैं, क्रैश टेस्ट जो होता है 5-star रेटिंग है, और इसमें सारा कुछ जो बेसिक जो आपको चाहिए गाड़ी में वो सब कुछ आपको हर वेरिएंट में मिलता है। डेफिनेटली ट्रिम्स के हिसाब से पैसा, क्योंकि उसका अलग अलग रहता है, तो उसमें आपको कुछ ना कुछ फीचर्स एड ऑन होते हैं, बट बेसिकली गाड़ी पूरी की पूरी सेफ है इन ईच एंड एवरी वेरियंट। गाड़ी के टायर्स की मैं बात करूं, टायर्स आर ऑफ 16 इंच रिम्स पे हैं टायर, एंड काफ़ी ब्रॉड टायर्स हैं इनको, मतलब ये बाहर से जो ब्यूटी को भी एक एड ऑन देते हैं, और मतलब काफ़ी यूजफुल भी रहते हैं, ग्राउंड क्लियरेंस भी इसमें इस कारण से ज़्यादा भी है बिकॉज टायर्स काफ़ी मोटे चौड़े से हैं टायर्स। गाड़ी के ब्रेक्स की भी अगर हम बात करें, सो ब्रेक्स आर एडिक्वेट, काफ़ी शार्प बाइट है ब्रेक्स का, और इसमें एक और सेफ्टी फीचर है जो टाटा ने दिया है, दैट इज स्पीड लिमिट। उसमें एक बजर दिया हुआ है जो यहाँ पे डैशबोर्ड पे बजने लगता है, सिग्नल एक आने लगता है स्पीड लिमिट का इफ़ यू क्रॉस 80 km/h। टॉप स्पीड की अगर बात करें, सो अभी बिकॉज गाड़ी नई है तो इसको हम ज़्यादा नहीं तेज चला पाए हैं, बट द मैक्सिमम व्हाट वी हैव अचीव्ड इज एज ऑफ नाउ 120 km/h। सो गाड़ी 100 km 110 km तक बिल्कुल आपको कुछ जर्क पता भी नहीं चलेगा, और काफ़ी स्मूथली इतनी स्पीड्स वो अचीव कर लेती है। टोटल इस गाड़ी में 6 gear दिए हुए हैं, इज ऑल्सो वेरी गुड। तो नॉर्मली पहले हमारे पास 5 gear, हमारे पास पुरानी गाड़ी होती थी उसमें 5 gear ही रहते थे, इसके पहले जैसे हमारे पास इंडिका थी। सो इंडिका के बाद अब इस गाड़ी में जो जितने एडवांस फीचर्स आए हैं सो और अच्छा लग रहा है, एंड 6th gear पे गाड़ी बिल्कुल हवा से बात करती है। सीट्स की मैं बात करूँगा, सीट्स से मेरे को एक थोड़ी शिकायत है टाटा से, ऑल्दो
मैं बिल्कुल कंफर्टेबली बैठा हूँ सीट पे, लेकिन मेरी पुरानी गाड़ी भी जो थी और ये गाड़ी भी जो है उसमें मेरे को हर बार ऐसा लगता है कि सीट्स पे कुछ और थोड़ा, टाटा प्लीज सीट्स को थोड़ा आप और इम्प्रूव करिए। काफ़ी बेसिक सी सीट्स लगती हैं, और कई बार क्या होता है कि जैसे बिकॉज आई एम 5'11" और मैं थोड़ा सा बल्की भी हूँ, सो मुझे ये जो सीट्स हैं, जैसे मेरे पास पहले जो गाड़ी इंडिका थी उसमें ही मुझे सीट्स में थोड़ा सा इशू लगता था कि मेरे को वो कंफर्ट नहीं आ पाता था। बट ऑल दो दिस इज बेटर देन इंडिका, आई विल नॉट से कि इसमें कोई प्रॉब्लम है, बट थोड़ा और अच्छा हो सकता था। लेग रूम की भी अगर हम बात करें, मैंने अपनी हाइट के हिसाब से यहाँ पे सीट एडजस्ट करी हुई है, बट अगर हम यहाँ पीछे भी देखें तो यहाँ पे एक एवरेज एडल्ट आराम से बैठ सकता है, और उसके लिए लेग रूम भी काफ़ी ज़्यादा है। इस तरफ की सीट में तो आपको और जगह मिल जाएगी, एंड ओवरऑल स्पेस वाइज काफ़ी अच्छा है। ऑल दो दिस इज अ कॉम्पैक्ट SUV, लेकिन कहीं भी आपको वो क्रैम्प्ड वाली फीलिंग नहीं आएगी। सो काफ़ी अच्छा स्पेस मैनेजमेंट है, बूट स्पेस भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिलता है, एंड ओवरऑल शोल्डर रूम, जैसे दो लोग अगर हम सामने बैठे हैं तो ये नहीं है कि हमारे शोल्डर्स आपस में एक दूसरे से टच कर रहे हैं, बोथ द सीट्स आर वाइड अपार्ट। सो काफ़ी अच्छा यहाँ पे चौड़ाई भी दी हुई है गाड़ी की, एंड एक बड़ी कार का फील इस गाड़ी को चलाने में डेफिनेटली आता है। तो चलिए अब इसके एक्सटीरियर की अब बात करते हैं, गाड़ी से बाहर निकलते हैं। तो अब हम एक्सटीरियर की बात करते हैं। एक्सटीरियर की बात करने पे आपको दिखेगा एक नई डिज़ाइन। ऑल दो बॉडी शेल दोनों नेक्सॉन का जो पहले आती थी और जो अब रिसेंट लॉन्च हुई है दोनों का सेम है, लेकिन आपको एक मेजर जो चेंजेस नज़र आएंगे वो आपको हेडलाइट्स, बोनट का शेप इसमें नज़र आएंगे। पुरानी हेडलाइट्स जो थी वो थोड़ी फुट के आती थी और बोनट इसलिए थोड़ा सा कट रहता था, लेकिन अब जो है इसका एक जो लुक अगर आप देखें, इसको आप थोड़ा रिजेंबल करने की कोशिश करेंगे तो ये आपको रेंज रोवर ईवोक का लुक आता है। आप इसको साइड प्रोफाइल अगर इसके देखें तो इसकी जो बोनट लाइंस हैं और जो हेडलाइट जिस हिसाब से इन्होंने प्लेस करी है, तो इसमें रेंज रोवर ईवोक का एक लुक मुझे आता है। और तो हो सकता है आपको ये नहीं लगता हो। हेडलाइट्स की अगर हम बात करें तो हेडलाइट्स अभी हमारे पास यहाँ पे ट्विन सेटअप है, इसमें प्रोजेक्टर्स दिए हुए हैं फॉर लो बीम, और हाई बीम के लिए नॉर्मल हेलोजेंस दिए हुए हैं। नीचे अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये हमारे इंडिकेटर के हैं, और ये हमने बाद में फॉग लैम्प्स भी लगवाए हुए हैं, सो दीज आर LED फॉग लैम्प्स। इस गाड़ी में यहाँ पे ये जो डिज़ाइन अगर आप देख रहे हैं ट्राई एरो जो डिज़ाइन है, सो दिस दीज आर द DRLs। फ्रंट फेशिया की अब हम बात करेंगे। फ्रंट फेशिया में यहाँ पे ये बहुत ही पियानो ब्लैक फिनिश दी हुई है, सो दिस लुक्स क्वाइट प्रीमियम, और इसके नीचे पूरी ये क्रोम लाइनिंग दी हुई है, तो ये भी काफ़ी अच्छा एक अट्रैक्टिव लुक देता है। नीचे अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी काफ़ी सारे ट्राई एरोज यूज़ करे हुए हैं, तो इसमें भी जो लुक्स जो है वो और एनहांस हो जाते हैं। स्किड प्लेट ऐसे जिसमें नहीं रहती है, बट दीज आर जस्ट प्लास्टिक क्लैडिंग्स। डोर ओपनिंग का जो एंगल है इट इज़ वेरी मच क्लोज टू 90 डिग्री, और इससे काफ़ी अंदर और बाहर आना गाड़ी के काफ़ी आसान हो जाता है। एंड देर इज़ वन सेफ्टी फीचर ऑल्सो, ऑल दो यहाँ पे बड़ी गाड़ियों में देर इज़ अ लाइट विच ग्लोज, बट यहाँ पे रिफ्लेक्टर भी दिया हुआ है, सो इट कम्स हैंडी। सो केबिन में अंदर घुसना और बाहर निकलना, इवन अगर हम बैक सीट की भी बात करें, सो बैक सीट का दरवाज़ा भी आपको अप्रॉक्सीमेटली 90 डिग्री तक जाता है, एंड बड़ी ईजीली आप इसमें अंदर बैठ सकते हैं एंड बाहर भी आ सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरी हाइट है 5'11", और ये जो सीट है ये मैंने अपनी ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से एडजस्ट करी हुई है। सो ये काफ़ी पीछे की तरफ है, अगर आप देखें यहाँ पैसेंजर सीट में गैप ज़्यादा है, और ये मेरी हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है। सो स्टिल आई हैव गॉट एम्पल लेग रूम, मतलब मैं कहीं पर भी अनकम्फर्टेबल फील नहीं कर रहा हूँ। शोल्डर लाइन यहाँ पर काफ़ी हाई है, लेकिन ग्लास एरिया काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। दिस सी पिलर दिस साइड ये काफ़ी चौड़ा दिया है, तो यहाँ पे आपको मतलब थोड़ा लग सकता है कि ग्लास एरिया होना चाहिए था, बट ऑल दो इसकी ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है, दिस एरिया इट सेल्फ इज इनफ। सो लेग रूम इज क्वाइट गुड, एंड अगर मैं विड्थ की बात करूँ गाड़ी की, सो बहुत ही आसानी से यहाँ पे हम तीन लोग अच्छे से बैठ सकते हैं। ऑल दो शोल्डर्स हमारे जरूर रब करेंगे एक दूसरे से, लेकिन हम तीन लोग यहाँ पे
कंफर्टेबली आ सकते हैं। एंड दिस पोजीशन ऑल्सो इज वेरी गुड, इसमें रिक्लाइन होने का कोई ऑप्शन नहीं होता है पीछे, एंड हेडरेस्ट ऑल्सो इज फिक्स्ड, लेकिन उसके बाद भी आई हैव गॉट इनफ हेड रूम, और लेग रूम भी मेरे पास डिसेंट है, ऑल्दो नॉट दैट ग्रेट लेकिन डिसेंट है। मैं अपने पैर आगे की सीट के नीचे रख रहा हूँ और उसके बाद मैं कंफर्टेबली बैठ सकता हूँ। सो ओवरऑल स्पेस लेग रूम इज वेरी गुड। तो हम इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की बात करते हैं। सो साइड प्रोफाइल में आपको इंडिकेटर वाले साइड मिरर्स दिए रहेंगे, इंडिकेटर्स आर इनबिल्ट इन दिस, और ये जो लाइन है दिस इज सम वन ऑफ द ट्रेडमार्क लाइंस फॉर टाटा नेक्सॉन डिज़ाइन। दिस इज लाइक लव इट और हेट इट काइंड ऑफ अ डिज़ाइन। कई लोगों को ये चीज़ अच्छी भी लगती है, कुछ लोगों को हो सकता है इसको पसंद ना आए, लेकिन पर्सनली आई फील दिस एनहांसेस द लुक। इसमें गाड़ी का एक लुक और एनहांस हो जाता है, बहुत अच्छा एक स्प्लिट जैसा एक आता है, डुअल टोन जैसा कुछ फील होता है। यहाँ पे हमारे पास इस ए पिलर को ब्लैक किया हुआ है। सो दिस कलर एज ऑफ नाउ यू नो इज फॉलीएज ग्रीन, टाटा ने इसको फॉलीएज ग्रीन का नाम दिया हुआ है, एंड दिस इज ब्लैक ब्लैक्ड आउट ए पिलर। ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे फील आ रहा है, एंड यहाँ बैक साइड भी इन्होंने थोड़ा सा ब्लैक किया हुआ है। सो अंदर अगर आप बैठते हैं तो अंदर आपको बैठने में कोई क्लॉस्ट्रोफोबिक फीलिंग नहीं आती है कि आप कहीं बंद जगह में बैठे हुए हैं। विंडो एरिया, ग्लास एरिया, ऑल द शोल्डर लाइन इज़ वेरी हाई इस कार के हिसाब से, लेकिन अंदर अगर आप बैठते हैं तो आपको वो रूमीनेस फिर भी फील होता है। क्रोम हैंडल बार्स का एक ऑप्शन है, दीज आर द एसेसरीज। और बैक साइड में अगर हम आए तो बैक साइड अगेन द सेम वाइट लाइन, लेकिन इसमें जो टाटा ने जो हॉरिजॉन नेक्स्ट के टाइम में जो डिज़ाइन डाली थी, दैट सेम थिंग हैज बीन कैरिड फॉरवर्ड। सो ये वापस से आपका अगेन सेम लव इट और हेट इट काइंड ऑफ अ थिंग। वोकल फॉर लोकल, यस टाटा वेरी प्राउडली पुट्स दिस स्टिकर ऑन देयर एवरी कार, ईच एंड एवरी कार यहाँ पे वोकल फॉर लोकल का स्टिकर लगा हुआ है। एंड देयर इज वन ईस्टर एग, ये देखिए। सो यहाँ पे दो शेर, एक शेर एक शेरनी भी बने हुए हैं। सो कई लोगों से ये मिस भी हो जाता होगा, बट दिस इज़ वन ऑफ अ वेरी गुड डिज़ाइन मैं ये कहूँगा। रूफ लैम्प भी दिया हुआ है, स्टॉप लाइट जो होती है, एंड बैक साइड नेक्सॉन की बैजिंग दी हुई है। दिस इज़ अ 3D एम्बलम, सो ये भी काफ़ी प्रीमियम लुक देता है गाड़ी को। एंड देर आर रिफ्लेक्टर्स यहाँ डाउन द बम्पर, ये रिफ्लेक्टर्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं फॉर एनहांस सेफ्टी। एंड दीज आर क्लियर लेंस बैक लाइट्स, ग्लास अगर देखेंगे इट लुक्स क्वाइट प्रीमियम, दीज आर क्लियर लेंस। सो यहाँ पे कैमरा फिट किया हुआ है फॉर रियर व्यू कैमरा, ये आफ्टर मार्केट एसेसरीज है जो कि टाटा की तरफ से ही लगी है। एंड बूट की अगर हम बात करें तो आप चाबी से भी यहाँ ओपन कर सकते हैं, ऑल्दो देर इज अ लीवर ऑल्सो इन साइड, ड्राइवर सीट के नीचे साइड आपको लीवर भी मिलता है, सो दोनों तरफ से बूट ओपन हो सकता है। यहाँ दोनों तरफ रिवर्स पार्किंग सेंसर्स भी दिए हुए हैं, और इसमें आप जब कैमरा फिट करते हैं सो बोथ द थिंग्स वर्क साइमल्टेनियसली। सो दिस वॉज आवर स्मॉल रिव्यू फॉर टाटा नेक्सॉन XE वेरियंट। पर्सनली ये हमारे लिए बहुत ही बढ़िया कार है, एंड दिस इज़ अ वेरी परफेक्ट फैमिली कार, इसमें आपको किसी भी तरह की कोई कमी नज़र नहीं आएगी। डेफिनेटली वेरियंट्स के हिसाब से आपको ऑप्शंस आपके अलग अलग हो सकते हैं, प्रेफरेंसेस आपकी बदल सकती हैं, बट जो सारी बेसिक चीज़ें गाड़ी में चाहिए होती हैं वो सब इस गाड़ी में है। एंड डेफिनेटली दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कार्स विच टाटा हैज़ प्रोड्यूस्ड। सो इफ़ यू हैव लाइक दिस वीडियो, अगर आपने यहाँ तक देख लिया वीडियो, सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि हम हमेशा से रिक्वेस्ट करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। सो टिल देन सी यू, बाय बाय।